ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चालू करते हैं काइनेमैटिक्स। अच्छा, काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, हम पार्टिकल अगर कोई मोशन में है तो वो वाले मोशन का नेचर को एनालाइज करता है, यानी पार्टिकल का मोशन किस टाइप का है, वो किस तरीके से आगे चल रहा है, हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम इस चीज के बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे, जो पार्टिकल का मोशन क्यों हो रहा है वो हम डील करेंगे एक सेपरेट पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। तो काइनेमैटिक्स में हम बेसिकली कोई एक पार्टिकल मोशन में है ये बोला हुआ रहेगा, कोई कारण पे है पता नहीं बट है, उसके बाद उस मोशन का जो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक को जानना ही हमारा बेसिकली ये वाले चैप्टर में काम है, राइट? अच्छा, बेसिकली हमें पार्टिकल के बारे में क्या क्या जानने का मन करता है, हमें ये जानने का मन करता है जो शुरुआत में पार्टिकल कहां पर था और बाद में पार्टिकल कहां पर गया, उन दोनों में कितना डिस्टेंस है, पार्टिकल कुल मिला के कितना पाथ चला, कितने रफ्तार के साथ चला, क्या वो रफ्तार हमेशा कांस्टेंट था या फिर वो रफ्तार बदला, इन सब चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं लिख रखा हूं, वो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, डेसीलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो इन सारे टर्म्स को लेकर हम बातचीत करना चालू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट, लेट्स सी। सो व्हाट इज मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में पोजीशन वेक्टर के रिगार्डिंग बातचीत किए थे, राइट? सो मान लो पार्टिकल कोई भी पाथ के अलोंग चलता है, आई डोंट नो पाथ कैसा है बट कोई एक पाथ के अलोंग चलता है, राइट? ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है, राइट? ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है, दिस इज द ऑरिजिन। टी इज इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल हमारा ए पर है, और टी इज इक्वल्स टू टी पर पार्टिकल जो है वो हमारा बी पर है। सो पार्टिकल ए का जो इनिशियल पोजिशन वेक्टर है, सॉरी, पार्टिकल का ए पर जो इनिशियल पोजिशन वेक्टर है वो मैं मान लेता हूं आर आई वेक्टर, और बी पर जो पोजिशन वेक्टर है उसको मैं नाम दे देता हूं आर एफ वेक्टर, राइट? ये ए और बी का पोजिशन वेक्टर है पार्टिकल का। सो हाउ इज डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड। ये ए से बी को जोड़ता हुआ जो हमारा वेक्टर होगा, राइट? ये जो हमारा ए बी वेक्टर है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान देना, यहां पर एक बात ध्यान देना, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? सो हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो वहां पर दो चीज डिफाइंड होगा, एक तो उसका लेंथ डिफाइंड होगा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और दूसरा हमारा डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन जो है वो हमारा ए बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसके अलोंग होने वाला है, राइट? सो ए बी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। और अगर मैं एस वेक्टर के बारे में बातचीत करूं तो दोस्तों ध्यान देना, आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एफ वेक्टर। तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस वेक्टर, दैट विल बी सिंपली रिटन एज आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, राइट? ये है हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। सो मान लो एक पार्टिकल है, वो t
इक्वल्स टू जीरो पर है, 2.3.1 पे, और t इज इक्वल्स टू टी नॉट पे है 3.4.5 पे। तो सवाल यह है, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमें यह चीज निकालने के लिए अगर कोई बोलेगा तो हम किस तरीके से निकालने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल इनिशियली कहां पर है, 2.3.1 पर, राइट। सो जो हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है दैट विल बी रिटन एज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि फाइनल पॉइंट हमारा 3.4.5 है, तो जो फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा दैट कैन बी रिटन एज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, राइट। मैं डेफिनेटली ये चीज लिख सकता हूं। सो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा s वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू rf वेक्टर माइनस ri वेक्टर। सो rf माइनस ri अगर मैं करूं तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, 3i कैप माइनस 2i कैप विल बी i कैप, 4j कैप माइनस 3j कैप इज j कैप, एंड दिस विल बी 4k कैप, राइट। सो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ s वेक्टर क्या होगा, तो i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ s वेक्टर विल बी सिंपली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 18, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3√2। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा 3√2 है। एंड बाय द वे फिजिकली वो चीज क्या सिग्निफाई करता है, ध्यान देना, इट गिव्स अस द स्ट्रेट लाइन, इट गिव्स अस द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। जो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उन दोनों के बीच में जो हमारा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा दैट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और बाय द वे डायरेक्शन क्या होगा, अगर डायरेक्शन अगर कोई पूछेगा तो डायरेक्शन ऑफ s वेक्टर इज सिंपली s कैप, और यूनिट वेक्टर के बारे में हम जानते हैं s कैप विल बी नथिंग बट s वेक्टर बाय मॉड ऑफ s वेक्टर, राइट। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, s वेक्टर में निकाल रखा हूं और मैग्नीट्यूड भी मैं निकाल रखा हूं, तो जो डायरेक्शन वेक्टर होगा दैट विल बी i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 3√2। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होने वाला है। सो मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है वो समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा फाइनल और इनिशियल पॉइंट को जोड़ता हुआ जो वेक्टर है दैट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड बेसिकली हमें दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के थ्रू मिलता है, और डायरेक्शन विल बी From initial to final, right? तो displacement किस तरीके से निकालना है, I hope that point is perfectly clear. Okay? अब अगला term हम define करेंगे, distance traveled.
व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। ध्यान देना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है पार्टिकल ये वाला पाथ को पकड़ते हुए गया है, सो ये जो टोटल पाथ लेंथ है, द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एल। नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, तो ध्यान देना डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान देना, एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो डिस्टेंस ट्रेवल डेफिनेटली जीरो आएगा, अदरवाइज डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी होने वाला है। ध्यान देना बाय द वे डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा पॉजिटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर कुछ भी हो सकता है, बट डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो हमेशा ही एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ही होने वाला है। ये कभी भी किसी भी हालात पर एक नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता है, because it is the magnitude of the length of the path traveled. Path traveled कभी negative नहीं हो सकता है, तो distance traveled भी कभी भी negative नहीं हो सकता है. Okay. In general, we can always say one thing. ध्यान दो. क्या लिख सकता हूं? जो Distance traveled is always greater than or equals to magnitude of displacement. Obviously, बात है कोई भी दो पॉइंट को जोड़ता हुआ जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। तो दोस्तों ध्यान देना, जो भी हमारा पाथ लेगा वो पाथ का लेंथ, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो ठीक है, अदरवाइज अगर मान लो पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द स्ट्रेट लाइन का लेंथ। सो इन जनरल हम हमेशा लिख सकते हैं पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से तो बड़ा ही होगा। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? इक्वालिटी होल्ड्स इफ पार्टिकल moves along a straight line without changing the अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन को बिना बदले, अच्छा डायरेक्शन बदलेगा तो ध्यान देना, अगर ऐसे जाके फिर वो वापस आया भले ही वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल डेफिनेटली ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली कम हो जाएगा, उस बात पे ध्यान दो। पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे बिना अपना डायरेक्शन को बदले चलते रहे तब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा इक्वल होगा।
राइट। सो कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल में क्या क्या है। तो एक सिंपल केस देखते हैं पहले। तो मान लो एक पार्टिकल जो है वो हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, रेडियस है आर, ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल यहां पर था मान लो, और पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, यूनिफॉर्मली गोल गोल घूम रहा है, यानी उसका मोशन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम पे इक्वल लेंथ कवर कर रहा है वो। सो कैलकुलेट ये पॉइंट को अगर मैं ओ बोलता हूं, बाकी नाम देता हूं ए बी सी। सो कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल इज एट ए बी एंड सी। जब मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं तो बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन को ले मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली मैग्नीट्यूड चाहिए। सो किस तरीके से करने वाले हैं हम लोग, लेट्स सी। तो ये है हमारा सर्कल, सर्कल का जो हमारा पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr। तो यहां पर मैं चार इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट का जो लेंथ होगा आर्क का वो होगा हमारा कितना, क्वार्टर सर्कल के लेंथ के इक्वल। सो क्वार्टर सर्कल का लेंथ के इक्वल है तो क्या होने वाला है, तो यहां पर मान लो ओ है, यहां पर जब आया है वो ए पर आया है, तो ओ और ए को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ता हूं, ये जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है दैट विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये जो हमारा आर्क लेंथ है दैट विल गिव मी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाउ एक चीज ध्यान देना, ये आर है, ये आर है, तो ये वाला लेंथ जो है वो है रूट टू आर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, और जो ये क्वार्टर सर्कल का लेंथ है दैट इज नथिंग बट 2πr/4, दैट इज πr/2। सो सिंपल सी बात है, यहां पर आते हुए हमारा डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड विल बी रूट टू आर, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा πr/2। पार्टिकल जब बी पर आएगा तब क्या होगा, पार्टिकल जब बी पर आएगा तो पाथ लेंथ हमारे पास कितना बन जाएगा, OB, राइट। सो पाथ लेंथ मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, OB। ध्यान देना OB जो है वो हमारा डायमीटर है, तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा मेरे पास 2r, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा ये हमारा सेमी सर्कल होगा, सो दैट विल बी नथिंग बट 2πr का आधा, दैट विल बी इक्वल्स टू πr, राइट। सिमिलरली पार्टिकल जब मेरा c पर आएगा, पार्टिकल जब मेरा सी पर आएगा तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वापस कितना होगा, ध्यान देना ये वापस हो जाएगा हमारा रूट टू आर, ये आर है, ये आर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा
रूट टू आर, तो डिस्प्लेसमेंट सी पर आने पर कितना होगा, रूट टू आर। और डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, डिस्टेंस ट्रेवल के रिगार्डिंग अगर बातचीत करूं, 1, 2, 3 ये तीन क्वार्टर सर्कल अपना पूरा कर रहा है, तो हर क्वार्टर सर्कल का लेंथ है पाई आर बाई टू, तो तीन क्वार्टर सर्कल का जो लेंथ होगा दैट विल बी नथिंग बट 3 पाई आर बाई 2। ये मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, पार्टिकल जब वापस ऊपर आएगा तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना। तो व्हेन पार्टिकल कम्स बैक एट ओ, ठीक है, जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली हमारा बन जाएगा जीरो, बट जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान देना, पूरा सर्कुलर पाथ का लेंथ 2 पाई आर। तो एक बात ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पहले इंक्रीज कर रहा है, ओ से ए तक हमारा इंक्रीज किया, ए से आगे भी बढ़ेगा वो इंक्रीज करेगा, ध्यान देना, यहां पर ऐसे था, ऐसे था, फिर ऐसे था, ऐसे था, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पहले बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो हो सकता है दोस्तों, ध्यान देना, वो बी पर ही होने वाला है, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस सर्कल का कोई ना कोई कॉर्ड होगा, और द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट कैन बी ड्रॉन इज ऑलवेज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो ओबी पे वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमाइज्ड होने वाला है। सो बेसिकली क्या होगा, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो ओ से बी तक तो बढ़ेगा, लेकिन बी से वापस वो कम होते 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 वापस जैसे ही ओ पर आ जाएगा पार्टिकल, वो हमारा जीरो हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन इट डिक्रीजेस, वापस ओ से आगे जाएगा, इट विल वापस इंक्रीज देन डिक्रीज सो ऑन एंड सो फोर्थ, एक पूरा सर्कल में जैसे जैसे वो गोल गोल घूमेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वो चीज बदलता रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब उसका जो पाथ ट्रेवल्ड होगा वो तो हमेशा ही एडअप होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, वो कभी भी हमारा कम तो हो ही नहीं सकता है, यानी एक सर्कल घूमने के बाद 2 पाई आर, दूसरा घूम जाएगा 4 पाई आर, बट डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिकली अपने आप को जीरो करता रहेगा। ये है डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में और एक फंडामेंटल डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमारा विथ मोशन बढ़ सकता है, घट सकता है, बट डिस्टेंस ट्रेवल विथ मोशन विल ऑलवेज इंक्रीज, इट कैन नेवर डिक्रीज। जो पाथ एक बार वो ट्रेवल कर चुका है उसका मैग्नीट्यूड ऐड होता रहेगा, और हम मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा ही आगे के टाइम में एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करने वाले हैं, तो किसी भी हालात पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ टाइम कम तो नहीं हो सकता है। ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल में और एक फंडामेंटल डिफरेंस। अच्छा, दूसरा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन. डिस्प्लेसमेंट जो है वो केवल और केवल हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है. यानी ये वाला पार्टिकल किस तरीके से ए से बी गया है, यानी ये ऐसे गया था, या फिर मान लो ये पार्टिकल ऐसे गया. जब तक हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी डेफिनेटली सेम होने वाला है. यानी फॉर एग्जाम्पल, ये पार्टिकल यहां पर सर्कुलर मोशन के बदले मान लो ऐसे स्क्वायर पाथ पे चल रहा होता, तो भी ए और बी और सी पे या ओ पे जब पहुंचेगा पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट डेफिनेटली डिस्टेंस ट्रेवल में डिफरेंस आएगा. यहां तक आएगा रूट टू आर, यहां पे पहुंच जाएगा तो रूट टू आर प्लस रूट टू आर टू रूट टू आर, यहां पर पहुंच जाएगा तो थ्री रूट टू आर, यहां पर पहुंच जाएगा तो फोर रूट टू आर. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. ठीक है, एज वेल एज पाथ टेकन. जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के साथ साथ जो पाथ के अलोंग वो चल रहा है, वो पाथ के ऊपर भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डेफिनेटली डिपेंड करेगा. तो और एक क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग. सो मान लो एक पार्टिकल पी से अपना जर्नी को चालू करता है, राइट. सो ये पाथ कुछ इस प्रकार का पकड़ता है, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर यहां पर एक सर्कुलर पाथ है सेमी सर्कुलर, फिर स्ट्रेट लाइन पे जाता है, फिर सर्कुलर पाथ लेता है, और फाइनली वो अपना पॉइंट क्यू पर पहुंचता है, राइट. ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस टू आर है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस फोर आर है. ठीक है, समझ में. नाउ ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है मेरा 7 मीटर, बी जो है वो है मेरा 8 मीटर, और आर जो है वो है 11 बाई पाई मीटर. पाई का वैल्यू 22/7 ले लेना. ठीक है, सो दो सवाल पूछा गया है. कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो किस तरीके से निकालेंगे? बहुत सिंपल बात है. डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? P और Q के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस. सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अच्छा, बहुत लोग मैग्नीट्यूड वर्ड खा लेते हैं, तो देखना अगर वेक्टोरियली टर्म दे रखा है फिर तो डायरेक्शन पे ध्यान देना,
वरना डिस्प्लेसमेंट बोला है तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, यानी जो टोटल स्ट्रेट लाइन है उसका लेंथ पूछा है, ठीक है ना। बहुत बार मैग्नीट्यूड वर्ड खाया हुआ मिलेगा तो उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, वो एक कन्वेंशन है जो लोग एडॉप्ट कर चुका है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सिंपली कितना आएगा मेरे पास, ए प्लस टू आर। पाथ ऐसा है भाड़ में जाए, हमें तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखना है, वो है टू आर प्लस बी प्लस फोर आर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सिक्स आर। सो ए प्लस बी विल बी 15 और आर का वैल्यू है कितना, 11/6। तो 15 प्लस 66/π मीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, ध्यान देना, टोटल पाथ लेंथ, ये तो स्ट्रेट लाइन ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, पार्टिकल कंटिन्यूअसली राइट पे जा रहा है ये अज्यूम्ड है, तो यहां से यहां तक तो स्ट्रेट पाथ ही है, तो यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद ये सेमी सर्कुलर पाथ लेगा, इसका रेडियस है आर, तो ऑब्वियसली बात है सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है, पाई आर। ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बी। और इसका जो रेडियस है वो कितना है, टू आर। सो पाई इंटू टू आर, राइट। सो कितना जाएगा, ए प्लस बी 15 प्लस 3 पाई इंटू आर, आर है 11/π। पाई पाई इज कैंसल्ड, तो ये हमारा हो जाएगा 33, 15 प्लस 33 दैट इज 48 मीटर। और पाई यहां पर 22/7 अगर पुट कर देता हूं तो कटेगा 15 प्लस 21 मेरे पास आ जाएगा 36 मीटर। तो ऑब्वियसली बात है, ध्यान देना, जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो डेफिनेटली हमारा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट के अलावा कर्व्ड पाथ जो है वो भी है। सो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस ट्रेवल बड़ा आना चाहिए था, जो कि साफ साफ हमारा बड़ा आया भी है, राइट। ओके दोस्तों, तो इससे आगे बढ़ते हैं। मेन बात ये है, जो हमेशा हम इतना लकी तो नहीं रहेंगे जो कि हमें पाथ में सर्कल ही दे, राइट, हमें इन जनरल कोई भी एक कर्व दे सकता है और फिर पूछ सकता है जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बताओ। तो क्वेश्चन इज फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन जनरल कर्व्स, फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन जनरल कर्व्स। तो मान लो हमारे पास कोई भी एक जनरल कर्व है y इक्वल्स टू fx, हमारे पास कोई भी एक जनरल कर्व है y इक्वल्स टू fx, राइट। सो ये वाला जो कर्व है, पार्टिकल इनिशियली a पर है, ये वाला पॉइंट है x1, y1, और ये वाला पॉइंट b जो है वो है x2, y2। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा आसान रहेगा, ध्यान देना, वो तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देने वाला है। और अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूं
तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला इट विल बी सिंपली एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. यह हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा. अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. यह हो जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम किस तरीके से निकालेंगे, यह निकालना इतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर जो लेंथ है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, सो कोई भी एक जगह पर एलिमेंट्री टुकड़ा काटो ऑफ लेंथ डीएल. कोई भी जगह पर एक एलिमेंट्री टुकड़ा काटो ऑफ लेंथ डीएल. सो जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सच लेंथ्स दैट इज इक्वल्स टू द इंटीग्रल डीएल. नाउ इंटीग्रल डीएल अब कैलकुलेट कैसे करूंगा अगर मुझे y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ है तो. अब ये डीएल का जो टुकड़ा है इसको बड़ा करके देखो. ये है हमारा डीएल का टुकड़ा. ऑब्वियस सी बात है बहुत छोटे टुकड़े के लिए मैं ये जो कर्वेचर है उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं और सिंपली डीएल को मैं एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं. बहुत छोटे टुकड़े के लिए तो मैं कर ही सकता हूं. बहुत छोटे टुकड़े का कोई शेप नहीं होता है. तुम जो शेप मान लेना चाहते हो वही उसका शेप है. राइट, सो ये डीएल के बारे में मैं सोच सकता हूं. जब भी ये पार्टिकल डीएल लेंथ गया है तो एक्स के अलोंग गया है डीएक्स, वाई के अलोंग गया है डीवाई. तो सिंपल सी बात है अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं डीएल स्क्वायर इक्वल्स टू डीवाई स्क्वायर प्लस डीएक्स स्क्वायर तो डीएल जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास डीवाई स्क्वायर. ये हमारा डीएल है. सो जो हमारा टोटल लेंथ आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर. अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, या तो हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखेगा या तो x एज अ फंक्शन ऑफ y दे रखेगा. दो ही पॉसिबिलिटी यहां पर क्रिएट होती है. तो मान लो y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है तो इन दैट केस मैं dx को बाहर निकाल दे रहा हूं. dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस वन इंटू dx. x कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? फ्रॉम x1 टू x2. राइट, सो dy बाई dx को हम क्या बोलते हैं? f डैश x. तो लेंथ ट्रेवल्ड l जो होगा दैट विल बी इंटीग्रल x1 to x2 under root 1 plus f dash x ka whole square into dx. Right? Ye ho jayega mere paas distance traveled provided hume y as a function of x de rakha hai. On the other hand, agar ye bhi possibility hai, hume x as a function of y de rakha ho. So in that case, हम सिंपली क्या करेंगे? dy कॉमन निकालो. तो dy अगर मैं कॉमन निकालता हूं सो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर इंटू dy. और y का इनिशियल वैल्यू है y1 टू y2. सो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज इंटीग्रल y1 टू y2
अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, ये भी मैं लेंथ एल बोल सकता हूं। तो ये इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करते हुए हमारे पास पाथ लेंथ आएगा। तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या है हमारे पास। लेट पार्टिकल मूव्स अलोंग y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई टू, ये है पार्टिकल का पाथ y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई टू। अच्छा, इनिशियली पार्टिकल है 0,0 पे और फाइनली पार्टिकल है, x अगर 2 पुट कर रहा हो तो y भी 2 आ रहा है, 2,2 पे। तो हम डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम निकालने का ट्राई करते हैं। अच्छा, y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई टू, द ग्राफ इज अ पैराबोला, वी नो राइट। इट विल बी एन अपवर्ड ओपन पैराबोला, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इनिशियली पार्टिकल जो है वो है हमारा 0,0 पे, फाइनली पार्टिकल जो है वो है हमारा 2,2 पे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली इन दोनों को जोड़ता हुआ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आएगा। सो इट विल बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 8 एंड इट विल दैट विल बी सिंपली 2√2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2√2, ये तो हमारे पास आ चुका है। अब डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो लेट्स सी क्या निकलेंगे। क्या है हमारे पास फंडा, जो हमारे पास एफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। तो दोस्तों एफ डैश एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 गॉन, तो f डैश का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2, सॉरी x। सो ये अगर मेरे पास f डैश x आ गया है तो जो मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा l, इनिशियली x 0 है यानी x 1 मेरा 0 है, x 2 मेरा 2 है, इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस f डैश x का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस चीज को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो तुम लोगों को मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कराया था इंटीग्रेशन में, वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है दैट इज एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन था। ठीक है, यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं मेरा a का वैल्यू जो है दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। तो a का वैल्यू अगर मेरा 1 है तो इस वाले पे मैं अब a को 1 पुट कर दूंगा इस इंटीग्रेशन में, तो लेंथ l जो आएगा x into under root x square plus 1 by 2, a is 1, तो half ln x plus under root x square plus 1, ये मेरा जो integration होगा that will be from 0 to 2। अच्छा, x अगर मैं 2 put करता हूं तो कितना आ रहा है, ध्यान दो,
ये 2 है, 2 से कटेगा, तो ये 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट विल बी 5 प्लस हाफ ln, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा रूट 5 माइनस, अब x को 0 पुट करो, ये 0 पुट करते ये वाला टर्म 0 हो गया, अब यहां पर 0 पुट करो, ये 0, ये 0 प्लस 1 1, तो ln 1, ln 1 अगेन मेरे पास कितना आएगा 0, तो ये वाला टर्म भी 0, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड that will be equals to L, that is root 5 plus half ln 2 plus root 5. तो अगर कोई इन जनरल कर्व देके हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए बोला तो हमें इस तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इसमें बस ध्यान एक ही देना पड़ेगा, देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बहुत टफ इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा लेकिन 12th के बाद में हो जाएगा, राइट ऐसे पूछेगा नहीं, राइट व्हाट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पूछेगा, वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमें याद होनी चाहिए. यहां पर बस ध्यान यही रखना है, अगर हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x आसान है तो इन दैट केस हम ये वाला चीज यूज करेंगे, और अगर x एज अ फंक्शन ऑफ y आसान है तो हम ये वाला चीज यूज करेंगे. दोनों फंडामेंटली तो सेम ही चीज है, लेकिन दोनों में से इस्तेमाल किसको करना है वो हमारा डिपेंड इस बात पे करेगा जो कौन सा वेरिएबल को कौन से वेरिएबल के फॉर्म में लिखना हमारे लिए आसान पड़ता है. ओके, तो विद दिस हम लोग सबसे पहले दो अपना बेसिक डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी and what is the meaning of speed. Okay, दोस्तों.